राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के लगातार एक के बाद एक नए नए बयान और आरोप सामने आ रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है तो किसी का ये कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। इन सब के बीच तिजारा के विधायक संदीप यादव का मुख्यमंत्री को लिखा हुआ खत भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने पत्र में कई सारी बातें लिखी हैं। मुख्यमंत्री को खत लिखते हुए संदीप यादव ने लिखा कि जहां कांग्रेस के नेता ही उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे समय में बसपा के विधायक उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी की ओर से उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए दो विधायकों को पार्टी में कोई भी पद नहीं दिया गया। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक अपने काम के लिए चक्कर लगाते रहते हैं और अधिकारी उनका जरा भी सम्मान नहीं करते। बता दें कि बसपा में कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक बीते दिनों संदीप यादव के घर पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान राज्यसभा चुनाव से पहले आगे किस तरह काम करना है इसकी रणनीति बनाई गई है। तब से ही प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी का दौर चल रहा है। इसे एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाकर अपना काम बनवाना चाहते हैं। तिजारा विधायक ने सीएम को तो खत लिखा है, वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे खत में अलाकमान पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए ये कहा गया है कि यहाँ उनका सम्मान है जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अलाकमान उनकी बात सुन रहा है, लेकिन जो बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन विधायकों की यहाँ पर कोई इज्जत नहीं की जा रही। आलाकमान की ओर से इन विधायकों को दो सम्मानजनक शब्द भी नहीं बोले जाते। खत में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारी समस्या कोई सुन नहीं रहा, जिसके चलते हमारा भविष्य खतरे में है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।